लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां सभी दल अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। ऐसी श्रृंखला में नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार योगेश लांजेवार की प्रचार रैली निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ता मौजूद थे। नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों की सूची में स्थान रखता है, क्योंकि नागपुर का समीकरण निरंतर बदलता दिखाई देता है। नागपुर के इस समीकरण में बहुजन एवं मुस्लिम, साथ ही पिछड़ा वर्ग के मतों के समर्थन का दावा करती बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र में क्या प्रभाव लाएगी और किस प्रकार से समीकरण प्रवर्तक बनेगी, यह देखना काफी रोचक है। क्योंकि बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो 2019 में बसपा के मोहम्मद जमाल ने 2.69% वोट लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। वही बात करें 2024 की, तो इस बार बसपा ने योगेश लांजेवार को नागपुर लोकसभा से मैदान में उतारा है, जहां वह मुस्लिम एवं बहुजन समेत पिछड़ा वर्ग के वोटों पर दावा कर रहे हैं। साथ ही इस चुनाव प्रचार के दौरान लांजेवार लोगों से मिले, उन्हें संविधान बचाने की दरखास्त की। इस समय नील झंडे हाथी निशान के नारे भी बड़ी मात्रा में लगाए गए, जहां देखा गया कि योगेश लांजेवार ने सभी से हाथ जोड़कर वोट देने की गुजारिश की, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता ने। दर्शकों, पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और नागपुर में भी काफी मात्रा में विभिन्न दल जो है अपने प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार योगेश लांजेवार। क्या कहना चाहेंगे आप, जो है बीएसपी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, किस प्रकार का प्रतिसाद है, क्या कहना चाहेंगे? सभी सर्व मेरे नागपुर शहर के सभी जनता का मेरा सप्रेम जय भीम, नमस्कार, सलाम। मैं योगेश लांजेवार इस नागपुर लोकसभा का बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार। मेरी यह पैदल यात्रा जो है सभी नागपुर शहर के अलग अलग विधानसभाओं में रोज चल रही है। काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता में। एक जोश है, खरोश है, उमंग है, उत्साह है और जनता में भी काफ़ी जोश नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो नागपुर की जनता है, इस नागपुर की जनता में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट समाज के जो लोग हैं, जो हमारे समाज के लोगों में एक खुशी की लहर है कि आज पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ पर एक बुद्धिस्ट को टिकट दिया है। यहाँ धन्ना सेठ लड़ाई लड़ रहे और उस धन्ना सेठों के खिलाफ में एक निर्धन को, एक जमीनी लेवल के कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, तो सारे कार्यकर्ता, सारी हमारी जनता बहुत ही खुश है और वो बोल रही है कि भाई इस बार अगर कोई जीतेगा तो हमारा सर्वसाधारण, हमारे बीच का एक कार्यकर्ता वही यहाँ से चुनकर जाएगा, ऐसा जनता का कहना है। यदि आपका नागपुर लोकसभा से विजय होता है तो किस प्रकार के वादे आप जनता के पूरे करेंगे, किस प्रकार का विकास आप नागपुर का करेंगे? देखिए, वैसे तो हम बहुजन समाज पार्टी के वो लोग हैं, हम लोग वादे पर भरोसा नहीं करते, हम करने पर भरोसा करते हैं। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की, उनका कहना है कि जब भी यूपी में जहां सत्ता बनी हमारी, तो यूपी का जो विकास, यूपी की जनता को जो सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो मुहैया कराई गई, बहुजन समाज पार्टी का वही एजेंडा हम यहां से चुन कर जाने के बाद में नागपुर शहर पे उसी एजेंडे के भरोसे पर काम करेंगे। यहां का जो दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, बहुजन समाज का गरीब पिछड़ा जो वर्ग है, उनके हक और हकूक की लड़ाई हम संसद में जाकर लड़ेंगे। युवाओं के लिए जो बेरोजगार है, उन बेरोजगारों के लिए रोजगार की लड़ाई हम लड़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस तरीके की हम लड़ाई वहाँ संसद में जाकर लड़ेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा, जो है देश के महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से नागपुर लोकसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ की काफ़ी शक्तिशाली लड़ाई है और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी द्वारा भी जो है यहाँ प्रचार किया जा रहा है, विभिन्न पार्टियाँ यहाँ प्रचार कर रही है, तो ये देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि किसके वादे जो है जनता पर, जो है जनता पर प्रभाव डालते हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।